जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का नहीं हो रहा है मनोरंजन। बाराबंकी कोर्ट से की है टीवी मुहैया कराने की मांग। दरअसल जेल में बंद बहुजन समाजवादी पार्टी के बाहुबली विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने अपने बैरक में टेलीविजन सेट के लिए बाराबंकी की एक अदालत में गुहार लगाई है। अंसारी ने बाराबंकी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश के समक्ष अपनी पेशी के दौरान ये याचिका दायर की। जब सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक जालसाजी मामले में उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने के लिए सुनवाई चल रही थी, उसी दौरान मुख्तार अंसारी ने अपनी याचिका जाहिर की। जालसाजी का मामला बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस के पंजीकरण से जुड़ा है, जिसका इस्तेमाल अंसारी ने पंजाब की रोपड़ जेल और राज्य की विभिन्न अदालतों के बीच जाने के लिए किया था। इसके साथ ही आपको बताते चले, अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन ने कहा कि उनके मुवक्किल ने अदालत को बताया कि सरकार ने जेल के कैदियों को समाचार और मनोरंजन कार्यक्रम देखने की सुविधा के लिए राज्य भर में जेल बैरकों में टेलीविजन के लिए प्रावधान किए हैं। अंसारी ने अदालत में बांदा जेल को उनकी हड्डी रोग संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए जेल में हर दिन फिजियोथेरेपी मुहैया कराने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनको बार बार अनुरोध करने के बावजूद बांदा जेल प्राधिकरण ने उन्हें इस आवश्यक चिकित्सा सहायता से वंचित रखा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अंसारी को जेल में एक बुनियादी नागरिक सुविधा से वंचित रखते हुए सौतेला व्यवहार कर रही है। इस बीच अदालत ने एम्बुलेंस के फर्जी पंजीकरण के मामले में अंसारी की न्यायिक हिरासत 5 जुलाई तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही आपको बताते चले, अंसारी को इस साल अप्रैल में पंजाब की रोपड़ जेल से यहाँ लाए जाने के बाद से बांदा जेल में बंद कर दिया गया था।